हाय गाइस, सिंपली आज इस वीडियो में मैं फिर से एक बार सौरभ मौर्य आपका हमारे चैनल शुभम स्टडी एंड टेक्नोलॉजी में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कि विलियन चैप्टर, जो कि हम सेकंड चैप्टर जो कि केमिस्ट्री क्लास 12 का जो कि स्टडी कर रहे हैं। तो उसमें जो कि हमने कल जो कि क्वथनांकों के उन्नयन तक स्टडी जो कि कर लिया था आप जो कि हम जो कि उस पर, लेकिन मैंने जो आपको कल कुछ न्यूमेरिकल्स भी बता दिए थे और कुछ न्यूमेरिकल दिया था कि आप उन्हें सॉल्व करो। आई होप कि आपने उसे सॉल्व किया होगा। फिर जो कि अगला लेक्चर जो कि हम देंगे हिमांकों का अवनमन पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ज़्यादा समय मैं आपको वेस्ट नहीं करूँगा और सीधे मैं आपको अपने टॉपिक पर लेकर चलता हूँ, जहाँ पर आप सीधे जो कि स्टडी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आपको ये बात बता दूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर प्लीज़ नए हो तो उसे लाइक और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम ऐसे बहुत सारी जो कि वीडियो डालते रहते हैं तो जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो आज का हम वीडियो अब स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम करने कल जो कि आपको मैं बता दूं, कल जो कि क्वथनांकों का जो कि उन्हें जो कि हमने यहाँ तक स्टडी कर लिया था, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर सिंपली मैंने आपको यहाँ तक जो कि स्टडी कर लिया था। यहाँ पर सारी चीज़ें जो कि आपको यहाँ पर देख सकते हो, ये चीज़ें आपको मैंने कल पढ़ाया था। फिर यहाँ पर ये ग्राम और उन्नयन स्थिरांक, और उसके बाद जो कि मैंने यहाँ आज के बाद जो कि ये सूत्र जो कि आप स्टडी किए थे, ये वाला सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। आप लोग प्लीज़ इसे रिमेंबर रखना, आगे जो कि आपके जो कि यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में ये बहुत ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर आगे कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि मैंने सॉल्व कराए थे, आई होप आप उन्हें जो कि देखा होगा और अच्छे से समझा होगा। अगर आपको कोई न्यूमेरिकल तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उससे पूछ सकते हो, तो मैं आपका उसका आंसर दे दूंगा। और अगर आपने ये सारी वीडियो जो कि नहीं देखी, फर्स्ट सेकेंड फोर्थ पार्ट जो कि ये सारी पार्टीज आपने नहीं देखी है, तो मैं इसकी जो कि लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगला जो टॉपिक है, पहले हम आज इसे स्टडी कर लेते हैं, फिर आगे की जो कि बातें करेंगे, ठीक है। हिमांकों का अवनमन, डिस्प्रिजन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। किसी द्रव का हिमांक वह ताप है जिस पर उसका उस द्रव का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, ठीक है। मतलब किसी द्रव का हिमांक क्या होता है, जब उसका द्रव का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब दोनों का बराबर हो जाए, तो वह जो कि हमें जो कि क्या कहलाता है, हिमांक। तब वह हिमांक केवल होता है, हिमांक का अवनमन नहीं होता, अवनमन आगे होगा यदि। फिर उसके बाद हमने क्या किया था, क्वथनांक था वही उसकी डिफिनेशन जो कि थी। फिर उसमें हमने कोई अवाष्पशील पदार्थ जो कि मिला दिया था। किसी द्रव का हिमांक जो कि क्वथनांक वह ताप था जिस पर उसकी जो कि द्रव अवस्था का वाष्प दाब उसकी जो कि द्रव अवस्था का सॉरी किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप था जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया था, ठीक है। तो ये जो कि सूत्र हम इसके बारे में जो कि हमने कल स्टडी कर लिया था, इसमें क्या था, फिर उसके बाद उसमें था कि हमने कोई जो कि अवाष्पशील उसमें पदार्थ मिलाया था जिससे उसका वाष्प दाब क्या हुआ था, बढ़ गया था। इसमें मिलाएंगे अवाष्पशील पदार्थ, अगर मिलाते तो उसमें इसका जो वाष्प दाब होता है वह कम हो जाएगा, अर्थात जो वाष्प दाब का अवनमन के कारण जो कि विलायक का हिमांक शुद्ध विलायक के हिमांक से कम हो जाता है और उसमें क्या होता है, बढ़ जाता था, ठीक है। तो अब देखो उसमें डिफिनीशन क्या थी, विलायक और विलयन के हिमांकों का अंतर हिमांक का अवनमन कहलाता है, यानी डेल्टा यानी टी जीरो यानी विलायक यानी टी जीरो माइनस टी, अगली बार क्या था, विलयन माइनस विलायक था, ठीक है। यानी टी माइनस टी जीरो था, यहाँ पे टी जीरो माइनस टी होगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो कि विलयन का टी है और विलायक का टी जीरो, तो ये जो कि अंतर टी या फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर जो कि हिमांकों का अवनमन में भी लगभग वही सूत्र जाकर के अगली बार जो सूत्र क्या था, यम बराबर 1000 के बी वहाँ पर था, यहाँ पर क्या है, के एफ फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर टी बी था, यहाँ पर जो कि है टी एफ कैपिटल डब्लू, ठीक है। वही सूत्र है, ज़्यादा कुछ बदला नहीं है, बस एफ की जगह बी हो गया, बी की जगह एफ हो गया, ठीक है। ये जहाँ यम क्या है, पदार्थ का अनुभार, डेल्टा टी एफ हिमांक का अवनमन, स्मॉल डब्लू क्या है, पदार्थ का भार, और के एफ क्या है, विलायक का मोलल अवनमन स्थिरांक, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मोलल अवनमन स्थिरांक क्या होता है, उसमें क्या था, उसमें भी सेम डिफिनेशन थी, जब बस यहाँ पे हिमांक का अवनमन की जगह क्वथनांक का उन्नयन लिख देना है, ठीक है। आगे जो वही डिफिनेशन थी सब वही है। तो 1 किलोग्राम विलायक में अगर कोई अवाष्पशील वैद्युत अपघट्य पदार्थ का 1 मोल घोलने पर हिमांक का अवनमन विलायक का हिमांकों का अवनमन विलयन का मोलल अवनमन स्थिरांक के एफ कहलाता है। ये सूत्र है, एम बराबर 1000 के एफ स्मॉल डब्ल्यू अपान डेल्टा टी एफ इंटू कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है। के एफ का जो कि मान वही डिग्री प्रति मोलल में जो कि व्यक्त किया जाता है, ठीक है।
फिर उसके बाद जो था ग्राम अरुक अनुमान स्थिरांक में इसमें यही चीज़ है। 100 ग्राम विलायक में अगर कोई आवासीय वैद्युत अवघट्य पदार्थ का 1 मोल घोल देने पर हिमांक का अनुमान विलायक का ग्राम अरुक अनुमान स्थिरांक कहलाता है। ठीक है, ग्राम मतलब वही 100 ग्राम यहाँ पे लिख दें, बस सेम चीज़ें हैं। अगर वही मोलल में आ गया तो आप 1 kg लिख देंगे, और ग्राम में आया है तो 100 ग्राम में लिख देंगे। ठीक है, डिफिनेशन सब सेम ही है। अब यहाँ पर हम कुछ सवाल देखेंगे और उनमें मैं आपको हल करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो जो कि हम समय वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे आपको मैं यहाँ पर जो कि आपको लिख कर दिखा देता हूँ कौन सा सवाल कैसे लगेगा। ठीक है, यहाँ पर सिंपली आप किस पहले आप सवाल पढ़ लो, फिर उसके बाद लगाते हैं। ठीक है, किसी पदार्थ के 13.6 ग्राम में 200 ग्राम जल को घोलने पर हिमांक में 3.7 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है, तो पदार्थ का अरुभार ज्ञात करना, यानी हमें अनुमान स्थिरांक यानी KF जो कि दे दिया 1.863 के प्रति मोलर यानी डिग्री प्रति मोल केल्विन में है। तो यहाँ पर क्या क्या दिया है पहले आप इसे नोट कर लो, यानी KF पहले देखो यहाँ शुरू में क्या दिया है, स्मॉल डब्ल्यू बराबर है 13.6 ग्राम, फिर यहाँ पे कैपिटल डब्ल्यू 20 ग्राम। ठीक है, फिर उसके बाद और क्या दिया है आपको, डेल्टा टी एफ क्या है, 3.7 डिग्री। फिर उसके बाद के एफ बराबर 1.863 केल्विन प्रति मोलल, ओ सॉरी मोलल। ठीक है, ये हो गया। तो आप सूत्र क्या पढ़ रहे हो, एम बराबर 1000 KF इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपान ΔTF इंटू Κ W। ठीक है, तो आप इसमें सिंपली आप मान रख, तो एम बराबर 1000 इंटू KF, KF का मान क्या है 1.863 इंटू इसका मान है 13.6, यहाँ से आप देख सकते हो। फिर उसके बाद ΔTF का मान यहाँ पे 3.7 इंटू Κ W का मान 20 है। ठीक है, फिर आप सिंपली इसका इंटू इसमें कर दो, 0 0 काट सकते हैं लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, 18 36 53 इससे सीधे ही आ जाएगा, फिर 13.6 / 3.7 × 20। अब इसे आप सॉल्व कर लेना है मल्टीप्लाई, जो कि आप सिंपली कर सकते हो। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है आप यहाँ पर देख सकते हो, 34.24, जो कि आप इंटू गुणा भाग कर लोगे तो सिंपली आपको आ जाएगा 34.24। ठीक है, ये जो कि आंसर आपका हो जाएगा, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, गुणा भाग तो आपको आता ही होगा, सिंपली मुझे इसमें बताने की कोई खास ज़रूरत तो है नहीं। ठीक है, अब पहले फिर अगर फ्रेंड्स अगर आपको जो कि हिमांकों का अनुमान में और अधिक जानकारी चाहिए, मतलब इससे भी अधिक, अगर आपको मैंने जो इतनी छोटी सी जो कुछ डिटेल्स दी है ये आपके काम भर की है, अगर आप अधिक लेवल के हाई लेवल की तैयारी करते हो तो उसके लिए अगर आपको चाहिए तो सिंपली आप मुझे कमेंट कर दो, मैं उसके लिए हाई लेवल की जो कि बहुत अधिक सी जानकारी, जो कि उसमें बहुत अधिक अभी जानकारी आपको लेनी जो कि बाकी है, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दो, मैं उसके लिए भी एक छोटा सा वीडियो जो कि बना दूंगा, वो भी बहुत ही कमाल करेगा। ठीक है, आगे जो कि एकदम सिंपल से ग्राफ की मदद से मैं उसे समझाऊंगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखो, काम भर जितना आपको काम में आए। ठीक है, अगर आपको अधिक तैयारी करनी है तो आप कमेंट कर दो, तो मैं उसके लिए अधिक जो कि छोटा सा वीडियो में जो कि ग्राफ की मदद से उसे पूरा समझाऊंगा। ठीक है, ठीक है, तो अगला एग्जांपल अब हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ और एग्जांपल्स आपके लिए लिखे हुए हैं। ठीक है, तो टोटली जो कि मैंने यहाँ पर 5 एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। ठीक है, 5 एग्जांपल, और आज इसी वीडियो में जो कि ये चैप्टर मैं समाप्त कर दूंगा, और विलियम के ये चैप्टर समाप्त होते ही फिर नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे, लेकिन मैं इससे पहले कुछ आपको न्यूमेरिकल्स अगला न्यूमेरिकल भी प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आपका जो कि पूरा एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं दूसरा जो न्यूमेरिकल हमें दिया गया है, आप पहले इसे देख लो ध्यान से, यहाँ पर आप ऊपर देखो, यहाँ पे 2.25 यानी कि स्मॉल डब्ल्यू यहाँ पे दिया गया है, ग्राम ग्लूकोज में एम बराबर 180 यानी 2.25 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक का अनुमान 0.93 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है, जल में मोलल उन्नयन स्थिरांक, यानी हमें KF का मान निकालना है। ठीक है, तो स्मॉल डब्ल्यू क्या दिया है यहाँ पर, ये पॉइंट तो नहीं है 25, क्योंकि पॉइंट होगा तो ये दोनों लगभग सेम हो जाएंगे, तो इसमें कुछ ज़्यादा जो कि ये गलत हो जाएगा सवाल। ठीक है, तो ये सिंपली ये पॉइंट नहीं है, तो आप इसमें देखो क्या क्या दिया गया है, डब्ल्यू बार स्मॉल डब्ल्यू दिया 2.25 ग्राम। ठीक है, कैपिटल डब्ल्यू दिया है 25 ग्राम,
डेल्टा टीएफ दिया है 0.93 डिग्री सेल्सियस प्रति मोल, ना यहाँ पे डिग्री सेल्सियस रहेगा तो के एफ का, तो यम बराबर जो कि आपको दिया है 180। ठीक है, तो सूत्र क्या होता है, यम बराबर 1000। मेरे साथ आप लोग रिवाइव भी किया कीजिए, मन में ही बोला कीजिए लेकिन बोला कीजिए, ठीक है। आप बोलेंगे तो आपको ज़्यादा याद होगा, ठीक है, आप बोलते रहिए, कोई टेंशन नहीं है, आप मन में ही बोलो या जोर से बोलो कौन सा मुझे सुनाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो कि कैपिटल W, तो यम बराबर हो गया 180, 1000 इंटू के एफ का मान तो हमें ज्ञात करना है, स्मॉल W का मान है 2.25 अपान 0.93 इंटू क्या है 25। अब यहाँ से आप के एफ का एक जीरो से ये देखो काट देना है, फिर अगर आप और भी इसे सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, इसमें सिंपली आपको क्या करना है, अगर फिर उसके बाद जो कि आपको क्या करना है जो कि 18 इंटू यहाँ पर कर दे, तो फ्रेंड सिंपली जो कि मैं पहले सॉल्व कर दिया था जो कि वीडियो पॉज हो गई थी, तो उस वजह से दोबारा मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखा देता, तो यहाँ से आप यहाँ पर सिंपली आप यहाँ पर देख सकते हो ये 0 0 जो कि कैंसिल हुई हो गया था, 18 इंटू इसका इंटू इसमें कर दो के एफ 1000 का जो कि इंटू इसमें आई मीन 100 का इंटू इसमें करोगे तो आ जाएगा 225 यानी 225, और यहाँ पर आ जाएगा 0.93 इंटू 25। ठीक है, ये सिंपली हो जाएगा। अब 25 नवा 225 या 9 हो गया, और 9 दुनिया 18 यानी कि दो, इसका इंटू इधर यानी के एफ आर इक्वल टू 2 इंटू 0.93 यानी कि आंसर हो जाएगा 6, और 9 दुनिया 18 तो ये आ जाएगा 1.96 डिग्री सेल्सियस मोलल इनवर्स। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो कि अगर हम टॉपिक या नेक्स्ट जो कि अगर हम उत्तवा की बात करें, नेक्स्ट जो कि न्यूमेरिकल की अगर हम बात कर लें, तो ये न्यूमेरिकल है 0.048 ग्राम कार्बनिक यौगिक की 10.6 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांकों का हिमांक में 1.8 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है, तो यौगिक का अणुभार ज्ञात करना है। तो यानी यम हमें बहुत ही सिंपल है, जो कि बहुत ही कुछ खास दिया नहीं है, सब कुछ चीज़ें दे दी है, बहुत आसान है, आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर ये सवाल आप देख रहे हो, और यहाँ पर जो कि आप क्या क्या दिया है एक बार अपने मन में ही ठीक है, मन में आप बोलते रहो कि हाँ ये दिया है, जिससे आपको याद आसानी से होगा, जैसे जैसे आप बोलोगे ना वैसे से याद होता चला जाएगा। ठीक है, तो स्मार्ट डब्ल्यू कितना दिया है, तो स्मार्ट डब्ल्यू कितना दिया था, ये 0.48, और यहाँ पर कैपिटल डब्ल्यू आपको कितना दिया गया है 10.6 ग्राम, और उसके बाद जो कि डेल्टा टी एफ जो कि दिया 1.8, के एफ का मान कितना दिया गया है आपको, सिंपली 5 डिग्री मोलल इनवर्स, आप प्रति मोल भी कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसे प्रति लगा कर भी कर सकते हैं, तो ये नहीं आपको लगाना है। ठीक है, सिंपली आप और ये सारे जो कि मान आपको दिया, तो आप यहाँ पर यम का मान जो कि आपको पूछा गया है कि बताइए भैया यम कितना आपका आएगा, तो ठीक है, ये हम आपको निकालने बहुत ही आसान है, सिंपली आपको बस आना चाहिए क्या क्या दिया है, जो देखो कम है वो जो जो कम दिया गया है, जो मान कम है वो आपको 0.48 ग्राम है, यानी ये डब्लू होगा यानी स्मॉल डब्लू होगा, और कैपिटल डब्लू क्या होगा जो अधिक हो, यार विलियन में घोला गया तो अधिक होगा ना, आप मेरे पुराने वीडियो देखो आपको सिंपली आसानी से एकदम समझ जाओगे भाई क्या क्या दिया है, क्या कैसे दिया है, नहीं दिया है कि दिया है, तो ठीक है। तो सूत्र क्या था, मन में बोलो 1000 के एफ स्मॉल डब्लू अपान डेल्टा टी एफ इंटू कैपिटल डब्लू, ये बहुत ही सिंपल फार्मूला है, इसमें थोड़ा सा आप कैपिटल डब्लू बड़ा लिखेगा, मेरा छोटा हो जा रहा है लेकिन आप थोड़ा बड़ा लिखेंगे आसानी ताकि समझ में आए। तो सिंपली आपको क्या करना है, 1000 के एफ का मान है 5 इंटू स्मॉल डब्लू का मान 0.48, आप हमेशा आसान से ही सॉल्व करने की कोशिश किया करो, कितना आसानी से मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ, कौन कौन से कितना सिंपल तरीके से। ठीक है, और जो यहाँ पर आपको कितना दिया गया है डेल्टा टी एफ 1.8 इंटू 10.6, ठीक है, ये आपको सिंपली आपको दे दिया गया, ये सारी जो कि बहुत ही सिंपल ट्रिक्स हैं, आप आसानी जिससे सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर 6 3 18 यहाँ से अगर हम 6 से काट दे तो सॉरी यहाँ पर 6 से तो कट जाएगा, 6 6 3 18 6 8 48, तो यहाँ से हम काटेंगे 0.3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 0 पॉइंट कितना आ जाएगा सॉरी यहाँ पर आएगा 0.08 ये आएगा, अगर आप काटना चाहो तो काट दो, अगर यही चीज़ देखिए 0.08 इंटू 6 कर दे 6 6 48 के 8 हाथ लगा 4 6 6 0 0 यानी कि 4 लगे, और यहाँ 0 10 में कितने अंक बाद 2 अंक बाद,
बस सिंपली ठीक है, ऐसे सॉल्व कर, आसान सॉल्व हमेशा करने की कोशिश ठीक है। और 1000 का इंटू कर दो, इसमें कितना आ जाएगा, 80 हो जाएगा, 5 0.3 इंटू क्या हो जाएगा, 10.6, जो कि बहुत ही आसान है, आप यहाँ पर आसानी से जो कि इसे सॉल्व कर सकते हो। अब इसका इंटू कर देना है आपको, यहाँ पर कितना आएगा, 5 × 40 यानी कि 400। अब इसका इंटू आपको करना पड़ेगा भैया, थोड़ा सा ये टफ हो। तो उसके बाद जो कि मैंने इसमें इंटू किया तो आया हमें 3.18, जो कि आप इसे इंटू कैलकुलेटर की मदद से कर लो। फिर सिंपली अगर आप भाग करना चाहो तो आपका जो आंसर आएगा ये है 125.8, ये जो कि आपका करेक्टली आंसर हो जाएगा ठीक है। तो ये आसानी से जो कि मैंने कैलकुलेटर का यूज़ किया, आप लोग थोड़ा मैथमेटिशियन हो आराम से आसानी सॉल्व कर लोगे, मैं भी मैथ से ही हूँ, मैथ से था मतलब, तो आसानी मैं भी सॉल्व कर सकता, लेकिन थोड़ा समय लगेगा आपका, मुझे ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना ठीक है। तो सिंपली नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको इसके बाद जो कि घर के लिए दूंगा ठीक है, फिर उसके बाद ये चैप्टर हम जल्दी समाप्त कर देंगे। तो फ्रेंड्स आप जो कि चौथा जो कि न्यूमेरिकल आता है, ये न्यूमेरिकल मैं ज़्यादा सॉल्व नहीं करूँगा, सिंपली आपको जल्दी जल्दी यहाँ पे सारे मान सबको बता दूंगा और आप सॉल्व कर लो। आपका यार समय ज़्यादा नहीं मुझे वेस्ट करना, और अधिक कम समय में अधिक से अधिक ज्ञान मुझे बांटना है ठीक है। तो ये 1.822 ग्राम जो कि कार्बनिक यौगिक में अरुभार जो कि 155 दिया है, को 100 ग्राम यानी 100 ज़्यादा किए ज़्यादा है, ये भैया ज़्यादा है, कौन ज़्यादा है, आप कहोगे तुरंत पकड़ो कौन सा ज़्यादा है यार, ये ज़्यादा है 100 है, ये 1.2 है। तो सिंपली ये हो गया कैपिटल डब्ल्यू, ये हो गया स्मॉल डब्ल्यू, ये मैं ये 1.55 है। हिमांक का अनुमान में जो कि डेल्टा टी एफ, हिमांक बोला है, अगर अगर यहाँ पे क्वथनांक बोलता तो सिंपली आपको क्या कहते हैं यहाँ पे डेल्टा टी जो कि बी का डेल्टा टी बी का मान, ये कि सिंपली ये हो जाता है। और यहाँ पर ये बोले अनुमान यानी के एफ का मान निकालना है ठीक है। अगर आप भैया यहाँ पर अगर हिमांक क्वथनांक बोलता तो यहाँ पे मोलर अनुमान इस्तेमाल सेम तो ही है, सेम ही तो है, नाम है वही चीज़ है, तो यहाँ पर लेकिन हिमांक बोलता तो यहाँ पर करेक्ट तुरंत पकड़ते भैया कि हाँ ये जो कि आप के बी का मान हमें निकालना है। तो सिंपली आप समझ गए होगे, आई थिंक आप ये सवाल तो गारंटेड है कि आप इसे सॉल्व कर दोगे, मुझे इसमें कोई शिकवा शिकायत नहीं है कि आप इसे सॉल्व नहीं कर पाओगे, सारे मान दिए गए। आप चाहो तो अगर नहीं समझ आए स्क्रीनशॉट लो इसे आराम से समझो, नहीं आता है तो फिर कमेंट करो, बहुत ही सिंपल है, 5.8 जो कि इसका आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो हमारा जो अगला सवाल है फ्रेंड्स वो है, किसी पदार्थ में 0.36 यानी 36 ग्राम में जो कि 25.5 ग्राम बेंजीन घोला गया है, तो बेंजीन का जो कि आविर्भाव तो आप निकाल लोगे आराम से, बेंजीन के हिमांक में कि 0.42 ग्राम हो, 0.42 ग्राम हो, तो पदार्थ का आविर्भाव आपको निकालना है। यह के एफ का मान दिया है 5.15 मोल प्रति केल्विन, यहाँ पर के फॉर केल्विन मोलल इनवर्स यानी प्रति मोलल ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली आपको सारे मार्क्स मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, और यहाँ पर सॉल्व भी किया है, इसे काटा बीटर नहीं है क्योंकि मैंने इसे कैलकुलेटर का यूज़ ही किया है, बिना कैलकुलेटर के यूज मैं नहीं कर पाता, हाँ कर तो लेता लेकिन थोड़ा समय लगता, और समय मुझे ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है, समय का सदुपयोग करो भैया, घर पर हो तो आराम से कैलकुलेटर का यूज़ करो। हाँ जब पेपर में आएंगे तो देखा जाएगा कौन सा गुरा नहीं आता अपने को, सही है गलत ठीक है। अगर 1/2 गुरक ये जो कि इस बार कट गया आई थिंक, शायद ये कट गया, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा, आप थोड़ा सा इतना तो याद ही कर सकते हो सिंपल से, जो जो ये सारे सूत्र हैं आप सिंपली, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा बता देता हूँ, हो सकता है शायद कट गया हो इस बार के नए सिलेबस में। किसी पदार्थ के विलयन का अणुसंख्यक गुरु के प्रेक्षित मान उसके समान सांद्रता के वैद्युत अपघट्य के लिए अणुसंख्यक गुरु की परिकल्पना के अनुपात को 1/2 गुरक कहते हैं। तो ये सिंपली आप डिफिनेशन याद कर लेना यार, कोई ज़्यादा कुछ खास नहीं है। 1/2 गुरक पदार्थ के अणुसंख्यक गुरु का प्रेक्षित मान, और वैद्युत अपघट्य पदार्थ के अणुसंख्यक गुरु का परिकलित मान, ये सिंपली आपको डिफिनेशन कैसे याद करनी, मैं बहुत ही आसान ट्रिक बताऊंगा ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है, किसी पदार्थ के विलयन का अणुसंख्यक गुरु का प्रेक्षित मान, यहाँ देखो इसके देखो, या फिर ऐसे बोल दो, किसी पदार्थ के अणुसंख्यक गुरु का प्रेक्षित मान और उसके वैद्युत अनपघट्य के लिए अणुसंख्यक गुरु की परिकलित मान का अनुपात, ये दोनों अनुपात बटे अनुपात जो कि उसका क्या कर लेते हैं 1/2 गुरक। बहुत ही सिंपल डिफिनेशन है, आप आसानी से 1/2 फैक्टर याद कर सकते हो, ये सूत्र भी आपको सूत्र भी याद हो गया, याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये सूत्र है। आप इसे इसे जो कि आई से प्रदर्शित करते हैं, 1/2 गुरक को किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से, ये तो याद कर लो, कई बार क्वेश्चन में छोटे न्यूमेरिकल एक नंबर पूछ लिया जाता है कि क्या इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो आई से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे डेल्टा 0 है, और यहाँ पे डेल्टा वियोजन के उपरांत करो कि कुल संख्या वियोजन के पूर्व, तो ये आप याद कर लो, वियोजन मतलब जो विलीन कर दिया जाए तो उसमें उसके बाद क्या होगा, उससे पहले क्या होगा ठीक है, पूर्व मतलब यहाँ पे पूर्व है ठीक है, पूर्व मतलब पहले ठीक है, करो की संख्या यहाँ पे डेल्टा m/m0 ठीक है। अब तो फ्रेंड्स
हम आज जो कि यहाँ पर ये चैप्टर विलयन चैप्टर जो कि एंड कर रहे हैं। अगला जो चैप्टर हमारा होगा वो शायद जो कि हम पिष्ट रसायन पर चलें, ठीक है, या फिर वैद्युत अपघट्य पे, वैद्युत यानी वैद्युत रसायन जो कि अगला हमारा तीसरा जो चैप्टर है वैद्युत रसायन है। हो सकता है कि पृष्ठ रसायन भी हम लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन आपकी मांग होगी तो मैं ज़्यादा थर्ड ही चैप्टर इसके बाद सीधे चलूँगा। आप उसमें जो कि थर्ड चैप्टर जो कि वैद्युत रसायन, तो वह छोटा सा चैप्टर है जो कि इसमें बहुत सारे हेडिंग्स जो कि कर चुके हैं, जैसे वैद्युत लेपन ये कर चुका है, सेल कर चुका है, ये सारे जो कि बहुत सारे इसमें चीज़ें कर चुके हैं। बहुत छोटी छोटा ही चैप्टर रह गया, तो उसे भी मैं आपको पढ़ा दूंगा और उसे खत्म करने के बाद आगे बढ़ेंगे। तो आज का ये जो विलेन चैप्टर आज यहाँ पर समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर कल से हम स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, और अगर हमारे चैनल पर ना प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दो, और प्लीज़ इसे इस वीडियो को भी शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इससे यार पढ़ें यार, आगे हो सकता है उन्हें काम आ जाए यार, हो सकता है उनकी जो कि ऑनलाइन क्लासेस जो कि स्कूल में जो कि पढ़ाई हो सके ना चल पाए, तो यार प्लीज़ इसे शेयर करते रहो। अभी स्कूल कॉलेज तो बंद है, तब तक इसी से पढ़ाई करो। फिर खुलते हैं तो स्कूल में टीचर हैं ही, एक से बढ़कर एक होते हैं। अगर नहीं है तो आप मुझसे पढ़ो आराम से यार, मैं लिखित नोट्स देता हूँ, नोट्स तो बनाते ही रहो। और उसके बाद फ्रेंड्स जो एक कमेंट अच्छा सा कर दो यार, आपको अच्छा क्या, जैसे आपको वीडियो लगे वैसा ही करो, खराब लगाओ खराब करो कि हाँ भाई तुमने यहाँ पर गलत बताया, ये मैं भी कोई नहीं आपको यार, लाइक आपका भी कमेंट मैं खुद लाइक करता हूँ कि हाँ भाई इसने सही बोला है। अगर गलत बोलते हो गलत क्या बोलोगे, आपको जैसा वीडियो लगे आप वैसा बोलोगे। तो ठीक है फ्रेंड्स साहब, ये वीडियो आपका देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद यार, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।